शाम का समय और एक बहुत अल्टीमेट जगह पर आ गए हैं हम। यहाँ से पूरा ले दिखता है ले के चारों ओर के ऊंचे ऊंचे पहाड़। रेंट पे ले लिया है इन्होंने बाइक, ये है द ब्रांड न्यू रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 411। तो गाइस हम लोग कर रहे हैं ले में ट्रिपलिंग अपनी नई स्क्रैम 411 पर। What's up everyone, welcome to a new vlog। मैं हूं दीपांश और आप देख रहे हैं अनपॉपुलर एक्सप्लोरर। फिलहाल मैं हूं कारगिल वॉर मेमोरियल के बिल्कुल सामने। यहां पर हमने कैंपिंग की थी और वो आप ऑलरेडी वीडियो के पार्ट वन में देख चुके होंगे। आज हम कारगिल से अपनी जर्नी दोबारा शुरू कर रहे हैं। हम जाएंगे ले लामायुरु होते हुए और इस वीडियो में हम आपको ले दिखाएंगे, शांति सुपा दिखाएंगे, ले का अमेजिंग खाना दिखाएंगे और भी बहुत कुछ, तो आखिर तक देखते रहिए। जगह का नाम तो हमें नहीं पता पर रास्ते से दिख रही थी तो और सुंदर लग रही थी, तो हमने सोचा यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए और दिखाया जाए कि नेचर कितना अच्छा है। तो देखिए सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरने हैं सांसों में बातों में रोशनी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरने हैं सांसों में बातों में रोशनी। ऐसा दिखता है हमारा ब्रेकफास्ट, जिंजर लेमन हनी, पनीर पराठा, वेज सैंडविच, आलू गोभी पराठा। ये सिटी 150 किलोमीटर है, थोड़ा अलग तरीके के पहाड़ थे तो सोचा आपको ये दृश्य दिखाया जाए, इसलिए अभी हम रुक गए हैं। अभी आपको दिखाते हैं एक अलग तरीके के पहाड़ों का डिजाइन। पहले कैमरा की नजर से देखिए, फिर आपको हम ड्रोन की नजर से दिखाएंगे। What's up guys? लगभग सवा बज गए हैं और मेरी बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई है। जुकाम, इनकी आंखों से पानी, जुकाम की वजह से मेरी आंखों में से पानी निकले ही जा रहा है। काफ़ी दिक्कत हो रही है गाड़ी चलाने में भी। मैंने कोशिश की सोने की भी पर उससे भी कोई आराम नहीं हुआ। तो हम पहुंच गए हैं लामायुरु मॉनेस्ट्री और यहाँ पर है मून लैंड। इस जगह को मून लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ का जो थोड़ा ना मून है वो डिज़ाइन है वो थोड़ा अलग है। जैसे पीछे आप यहाँ देख पा रहे हैं नॉर्मल पहाड़ से थोड़ा अलग है, तो देखने में काफ़ी सुंदर है। तो अभी हम आपको ड्रोन उड़ाकर दिखाएंगे और इतनी हालत के बाद भी मैं आपके लिए कंटेंट बना रहा हूँ, तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए। मेरे बिल्कुल पीछे आप देख रहे हैं संगम, तो ये है जंस्कार और ये है इंडस, ये दोनों यहाँ पर मिलकर जाते हैं पाकिस्तान की ओर। तो अगर आपको पाकिस्तान बिना वीज़ा के जाना हो तो इसमें बैठकर जा सकते हैं। लेह के अंदर हो चुकी है हमारी एंट्री एवरीबॉडी और हम जा रहे हैं लेह मार्केट की ओर क्योंकि वहाँ से ही हमारे हॉस्टल का रास्ता कटता है। गाइस आपकी कोई चाचा फूफा मौसा अगर मार्केट के एक्सपर्ट हो तो हमें जरूर बताएं। सामान रखने के बाद हॉस्टल में फिर हम वापस आएंगे नीचे मार्केट में, थोड़ा बहुत खाएंगे पियेंगे, ऐश करेंगे और क्या। 5:20 हो रहे हैं और हॉस्टल में हमने चेक इन कर लिया है। सामान अभी भी गाड़ी में रखा है, रात को जाएंगे जब रख देंगे। फिलहाल हम लोग मार्केट में आ गए हैं, मैं गाड़ी में पार्किंग लगा के मार्केट की ओर जा रहा हूँ। बाकी शुभम और उत्कर्ष ऑलरेडी मार्केट में है
अब हम अच्छा अच्छा खाना खाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। हम बैठे हैं ले ब्राजील कैफे में और हमने मंगाया है वेज सैंडविच, हनी चिली पोटैटो और चीज लेमन चीज केक। और कुछ ऐसा व्यू है यहाँ से, व्यू का मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ। इसके जस्ट सामने ये ले वांदा कैफ़े है, ये भी काफ़ी अच्छा है, हम कल आएंगे। और ये एक नई मस्जिद बनी है, ये है ले पैलेस, ये ले फ्लैग्स और ये पूरा ले का मार्केट। अभी ये ट्राई कर रहे हैं ले लेमन चीज़ केक। कैसी थी भाई लेमन चीज़ केक? गजब बेइज्जती है। ये 1200 का है, ये अच्छा। रुको थोड़ा साउंड चेंज करना अंकल। शुरू शुरू में आप लोगों को आदत नहीं है ना, फिर आस्ते आस्ते सीख जाता है। जो अभी आपने देखा उसको बोलते हैं शिंकिंग बॉल, और वो मैंने ले लिया है बड़े वाला, 1600 का बोल रहे थे, 1300 रुपये में डील डन हो गई है। अभी हम शांति सुबह जा रहे हैं और वहाँ जाके इसको बजाएंगे। ये मैं काफ़ी टाइम से लेने की सोच रहा था पर कभी सूट बैठा नहीं, आज बैठ गया तो ले ही लिया। काफ़ी पीसफुल आवाज़ प्रोड्यूस करता है। चुके हैं शांति स्तूप और आप देख सकते हैं कि ये कितना ही एपिक है और पूरी ले सिटी की व्यू आ रही है। तो हम ये बजाएंगे और थोड़ी देर शांत होंगे और फिर हॉस्टल चले जाएंगे। ये है ट्रिप का दूसरा दिन, दोपहर हो रही है और हम बैठे हुए हैं हॉस्टल में ही। पीछे देख सकते हैं आप, हमें पूरी लेक की व्यू दिखती है हॉस्टल से। तो अभी प्लान है बाहर जाएंगे लंच करने के लिए और रात को डिनर करने भी बाहर जाएंगे और बस यही करेंगे, क्योंकि एक दिन थोड़ा आराम करने के लिए और एक्लिमेटाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बस वही कर रहे हैं हम आज। तो अभी मिलते हैं सीधा ले मार्केट में। रेंट पे ले लिया है इन्होंने बाइक, ये है द ब्रांड न्यू रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 411। ये एक ब्लैक कलर है और ये है रेड, तो इन्होंने रेड वाइट लिया है। चाबी दिखाओ भाई इसकी, देखो चाबी बच्चों। अब हम बैठ के देखेंगे कैसी है। ओके, काफी ऊंची है हिमालयन जितनी। एंड और जो हमने पे किया है वो है 2200 रुपए एक दिन के, है ना? 2200 रुपए एक दिन के हमने पे किया है। 2200 रुपए के बाद जो भाई का और बाकी और बाकी ये जो गार्ड वार्ड है वो सब ले रहे हैं। तो मैं तो कॉन्स्टेंटली गाड़ी चलाऊंगा क्योंकि इन दोनों को गाड़ी चलानी नहीं आती और इनमें से एक बंदा रोटेट होता रहेगा तो बाइक भी चलाएगा। तो अगले व्लॉग में आपको अल्टीमेट वो मिलेंगे क्लिप्स, क्योंकि हम एक कैमरा बाइक पर हेलमेट पर भी लगाएंगे तो वो भी क्लिप्स मिलेंगी और साथ साथ हम भी रिकॉर्ड करेंगे और ड्रोन शॉट्स तो तांसु ही आएंगे। फुल पावर तो मजा आने वाला है। फुल पावर मौज करा दी भाई। तो अभी हम यहाँ से बाइक का ये गियर्स वगैरह लेने हैं। We'll be right back.
दिल की धड़कन से तो आए जाना हमारे सब सब के। शाम का समय और एक बहुत अल्टीमेट जगह पर आ गए हम। यहाँ से पूरा लेह दिखता है, लेह के चारों ओर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ आप शायद मेरे चश्मे में भी देख पा रहे होंगे, और उसके बाद सनसेट भी दिखेगा। तो अभी हम आपको मनमोहक कर देंगे नजारों से। दिल की धड़कन से तो आए जाना हमारे सब सब के हो जाए आना। कभी कभी तो हमसे घबराना, सभी सभी को तुम ही समझाना, अभी अभी तो हमने ही जाना। तू गाए ना ला ला गाए ना हा हा गाए ना हा हा गाए ना। दिल की धड़कन से तो आए जाना। We hope जितने भी अभी शॉर्ट्स देखे हो, देखकर बहुत मजा आया होगा। वाकई में ही सबसे अच्छी है, और पीछे सूरज डूब चुका है पर जो वो है वो तो तेरे ही चल गए अभी भी है। पहुंच चुके हैं हम लामायुरु रेस्टोरेंट में, और क्या करेंगे डिनर बढ़िया लद्दाख स्टाइल, और फिर सीधा जाके सो जाएंगे। ओके तो अभी आपको खाना दिखाएंगे। ये आ गया है हमारे पंडित जी का वेज। ये आ गई हमारी दूसरी डिश, इसका नाम है चिकन टिन मोमो विद शाप्ता। तो ये दो हैं टिन मोमो, और ये है चिकन की ग्रेवी, तो इसको बोलते हैं शाप्ता। यह आ चुकी है हमारी अगली डिश, इसको कहते हैं कोठे मोमोज। ये वेज है तो ये आधा स्टीम होता है और आधा फ्राइड। ये हमारी आज की लास्ट डिश, ये है शक्शुका। तो ये है हुमस जो बनती है चने से या फिर छोले से, वो है फ्रेंच फ्राइज, थोड़ी सैलड, पीता ब्रेड, और ये है ऑमलेट विद थोड़ी सब्जी। इसके बाद हमारी ड्रिंक्स आएंगी और फिर हम नशे में हो जाएंगे। और ये आ गई है हमारी ड्रिंक्स, ये है मिक्स वेज, मिक्स वेज नहीं मिक्स फ्रूट, मिक्स फ्रूट, ये वाटरमेलन, और ये है लेमनेड सॉल्टी। ठीक है सर, काफी बढ़िया। तो खाना खा के सबकी आत्मा होगी ट्रिप, और अब हम यहाँ से वापस निकलेंगे लद्दाख में रहना है। तो दीपांशु दीपांशु कहना है लद्दाख में रहना है, दीपांशु दीपांशु कहना है। हम लोग कर रहे हैं ले में ट्रिपलिंग अपनी नई स्क्रैम 411 पर। अगर आपको मजा आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर ट्रिपलिंग करते हो तो उन्हें बोले कि वो सब्सक्राइब कर दें। गुड नाइट, शबा खैर, मिलेंगे अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।